हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ अपने किचन गार्डन की वीडियो जिहड़े कि मैं इसे मंथ स्टार्ट किया है। पहले मैं भी घर च गमलिया ही प्लांट्स ग्रो करती सी, फ्लावर्स वाले जां लीफी प्लांट उहदे च बड़े अच्छे हो जाते सी, पर जे असीं सब्जियां ग्रो करना चाहते हाँ तो साढ़े को एक जमीन होनी बहुत जरूरी है जिदे ते कि असी अपनी जरूरत मुताबिक सब्जियां ग्रो कर सकिए। क्योंकि जे असी गमलियां च ग्रो बैग च सब्जी ग्रो करते भी हाँ तो उस एक एक पौधा ही लगाया जा सकता है ताकि वह अच्छी तरह ग्रो होए, तो उस तो इन्नी ज़्यादा सब्जी नहीं मिलती। इसलिए मैं हमेशा चाहती सी मेरे को एक जगह होए जिथे कि मैं अपना किचन गार्डन बना सकाँ। स्पैशली मैं जगह अरेंज की, तो सब तो पहले ये लगाए कैना लिली के प्लांट। ए देखो ए जड़े बाउंड्री लगे हुए ने, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तुहानूं पता है कि जिथे भी असीं वैजीटेबल ग्रो करांगे उत्थे फ्लावर्स होने भी बहुत जरूरी ने ताकि पोलीनेशन हो सके। ए वेखो मैं पालक, मूली ते होर भी सर्दियां दीआं सब्जियां ग्रो करनियां स्टार्ट कर दित्तियां ने। मूली सब तो पहले निकलनी ही स्टार्ट हो गई है, जेडे कि सर्दियाँ स्टार्ट होने तो पहला ही मैं हार्वेस्ट करने भी मिल जाएगी। इस अलावा बाकी जमीन भी मैं रेडी कर रही हाँ, उस गोबर की खाद मिक्स करनी है ताकि वह जमीन होर ज़्यादा हैल्दी हो सके ते मैं हैल्दी वैजिटेबल्स भी मिलन। हूँ वेला वाली सब्जियों का तो टाइम काफ़ी निकल चुका है, वो हार्वेस्टिंग लिए रेडी ने जिन्होंने वेला पहला तो ग्रो कीतिया ने। पर इस सीजन में भी असी घीए दी, लौकी दी, करेले, फ्रेंच बीनस ए वेला लगा सकते हैं, इसलिए मैं भी उन्होंने बीज ए ग्रो कर दिते ने। हूँ देखते हैं वेलों तो मैं हार्वेस्टिंग मिलती है कि नहीं, पर मैं एक ट्राई जरूर किया है कि मैं इस सीजन के हूँ अजे बरसात चल रही है ये सब्जियां ग्रो करके देखा तो ताडे नाल शेयर करा कि तुसी भी इस मंथ में वेलों वाली सब्जियां ग्रो कर सकते हो कि नहीं। ए देखो ए फ्रेंच बीन दे प्लांट ने मेरे, वो नाल ही खीरे दे प्लांट ने, तर दे प्लांट ने, उस तो इलावा घीआ, कद्दू वह भी मैं इतने ग्रो किए हुए ने जिहड़े कि अजे छोटे छोटे निकलने स्टार्ट होए ने। ए देखो इत्थे मैं मक्की भी लगाई हुई है, स्वीट कॉर्न कहिंदे जिहनूं, वह मक्की भी ग्रो की है। भी प्लांट्स मेरे बड़ी जल्दी ग्रो हो रहे ने। इस तो इलावा मैं बाकी भी सब्जियां शिमला मिर्च वह भी इत्थे लगावांगी। टमाटर दे भी कुछ प्लांट मैं इत्थे वेलों के नाल ही लगाने स्टार्ट कर दिते ने, जिहड़े कि मैं पहला बीज तो अपने पॉट च उन्हां दे पौधे रेडी कर ले सीगे, तो बाद विच उन्हों भी मैं इत्थे किचन गार्डन दे विच इन्हां पौद्यां दे नाल ही शिफ्ट कर दिता। ए देखो ए जिहड़े प्लांट निकलने ने ये सारे लौकी दे प्लांट ने, क्योंकि लौकी नूं असीं इस मंथ दे विच अगस्त सितंबर च ग्रो कर सकते हैं, तो सर्दियाँ शुरू होने तो पहला पहला तक सानू लौकी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यह सारे खीरे दे, तार दे, जिन्हों ककड़ी भी कहिंदे आ उहदियां वेलां ने। बाकी फ्रेंच बीनस है, तो उहदे नाल मैं टमाटर भी लगाए हुए। तो इस तो बाद मैं तुहानू दिखाउण जा रही हाँ अपने करेले दे प्लांट, जिहड़े कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियो विच ग्रो करने दसे सी कि करेले दे सीड किस तरह ग्रो करने ने। उहदे विच दो करेले दे सीड जर्मीनेट हो गए ने, इन्हां नूं भी मैं अपने किचन गार्डन च शिफ्ट कर दिता है। ए देखो ए दोनों करेले दे बीज जिहड़े जर्मीनेट होए सी उन्हां तों प्लांट रेडी होए सी, उन्हां नूं मैं जमीन च लगा दिता है ताकि ये जल्दी तो जल्दी ग्रो होण। इस तो इलावा मैं अपनी बाकी जमीन भी रेडी कर रही हाँ, उच्च गुडाई करके खाद मिक्स करके उत्थे मैं होर भी सब्जियाँ जिस तरह गोभी, गाजर, जुकीनी, भिंडी, धनिया ये सारा कुछ ग्रो करांगी। इसलिए मेरी नैक्सट वीडियो देखने लिए मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर करो। होर मैं यही कहांगी कि हर किसी नूं अपने घर के बैकयार्ड से या फ्रंट से थोड़ी जमीन जरूर छड़नी चाहिए है जिथे कि तुसी ऑरगैनिक सब्जियां ग्रो कर सको। तो तुहानूं ऑरगैनिक ते फ्रैश बिना स्प्रे तो हैल्दी सब्जियां अपने घर च ही मिल सकन। तो अज की सिक्ख्या लाइफ कोशिश जरूर करो, मंजिल मिले या एक्सपीरियंस दोनों ही कीमती ने।